दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दस्त की समस्या क्यों होती है, दस्त की समस्या होने पर हमें क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए जिससे कि हम वापस से स्वस्थ हो जाएं। और इस वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक हेल्थ टिप्स भी दूंगा जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली और बढ़ेगी। इसलिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है और वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। वीडियो आपकी अच्छी लगे तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्की, मेरा नाम है लक्की। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं दस्त की समस्या क्यों होती है। दस्त की समस्या होने का सबसे मुख्य कारण है हमारे शरीर में आंतों का कमजोर होना और लीवर का वीक होना। और भी बहुत से कारण हैं दोस्तों। जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर का हमें खान पान सूट नहीं करता है, तब भी हमें दस्त लगने शुरू हो जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दस्त लगने पर हमें क्या नहीं खाना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊँगा घरेलू उपाय जिससे कि हम वापस से स्वस्थ हो पाएंगे। दोस्तों, हमें दस्त लगे तो हमें दूध नहीं पीना चाहिए और दूध से बनी हुई चीज़ें जैसे पनीर, आइसक्रीम, इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, हमें सलाद, चाय, कॉफ़ी, शराब, कोल्ड ड्रिंक और तेल की बनी हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों, मैं बताता हूँ क्या खाना चाहिए। दोस्तों, हम केला खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं और हमें छाछ में जीरा और नमक मिला करके पीना चाहिए। दोस्तों, दही के साथ चिड़वा, आप देख पा रहे हो पिक, इन्हें हमारे यहाँ तो चिड़वा और पोवा नाम से कहते हैं। आप बताइएगा कमेंट करके आप इन्हें क्या नाम से जानते हो। तो दही के साथ मिलाकर खाने से 100% इसका इलाज हमें देखने को मिलता है और इसका प्रयोग मैंने खुद ने किया है और मेरे को इसका अच्छा रिजल्ट लगा है। दोस्तों, अगर 3 दिन के अंदर हमारी दस्त ठीक नहीं हो तो हमें तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक हेल्थ टिप्स देता हूँ जिससे कि हम खुशियों को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन है, यहाँ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोस्तों, जब भी आप डिप्रेशन में हो, आप चिंताएं आपको ज़्यादा हो, तो आप बच्चे बन जाइए। आप बच्चे ऐसे तो बन नहीं सकते, आपके घर में जो बच्चे हैं ना उनके साथ खेलने लग जाइए, उनके यहाँ पर हाथ रख के उल्लू लाडो बेटो लाडो बेटो, ऐसे आप मतलब बच्चे बन जाओगे ना, आप उसी तरह की आपकी हरकतें होने लगेगी, तो आपको एक अंदर से हैप्पीनेस फील होगी। चाहे आप कितना ही डिप्रेशन में हो, चाहे कितने ही चिंते में हो, चुटकियों में आपकी जो चिंताएं हैं वो भाग जाएगी। आप ऐसा करके देखिए। और एक उपाय है दोस्तों, आप है ना अकेले कमरे में जा कर के डांस कीजिए, जो आपका फेवरेट सॉन्ग हो ना उस पर डांस कीजिए। आप है ना कितने ही चिंता हो ना, आपकी सारी चिंताएं भाग जाएगी। ये करके देखिए। ये मैं खुद करता हूँ दोस्तों, ये मैंने आपको पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में, ताकि औरों को भी इस वीडियो को देखने से क्या पता किसी भाई को बेनिफिट हो जाए। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक यूनिक कंटेंट के साथ, एक जेन्युइन वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।